मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर भारत माता की जय बोलना, जय श्री राम बोलना और वंदे मातरम बोलना इस देश में अगर अपराध की श्रेणी में आता है, ये मैं एक ही बात जानता हूँ कि अगर भागलपुर में जो गतिविधि 10 दिनों की रही है, वहाँ के विधायक जो शर्मा जी हैं उनका टेलीफोन कॉल जांच करवा लीजिए, कौन दंगाई है वो आपको मालूम चल जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारा शोभा यात्रा निकलने के बाद 1.5 घंटे बीत जाने के बाद हम लोग अन्य कार्यक्रम में थे और वहाँ सूचना आता है कि नाथनगर में घटना घटी है और 2 दिन बाद आप एफ आई आर करते हैं और वो बताते हैं कि आप जो है आपका और भारतीय जनता पार्टी के 8 पदाधिकारियों का जिस प्रकार से ये नाथनगर थाने ने प्रशासन की जो चूक हुई है अपना ठिकरा हम लोग जैसे लोगों पर ठिकरे का काम किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। अर्जित, 6 शहरों में उसके बाद दंगे जैसे हालात, क्या आपको नहीं लगता कि आपको आगे आके शांति की अपील करनी चाहिए थी? बिल्कुल, मैंने पहले दिन आप अखबार पढ़िए, मेरा उसमें आया है मैसेज कि सामाजिक सौहार्द बनाने का काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दोनों समुदायों के बीच सामाजिक सौहार्द बनाती है। भागलपुर में जो घटना घटा उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के दोनों को मिलाने का भी काम किया है। हम लोगों का सामाजिक सौहार्द कहीं नहीं बिगड़ा है, लेकिन जो बिहार का तनावपूर्ण माहौल करने का कोशिश किया जा रहा है इसके पीछे राजद और कांग्रेस के लोग हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं कि देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं न्यायालय के शरण में हूं और न्यायालय के शरण में गया हुआ व्यक्ति कहीं भागता नहीं है। आज मैं जब बनारस से आ रहा था और जब मुझे सामने मालूम चला कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है माननीय सम्माननीय भागलपुर कोर्ट द्वारा, तो मैंने तुरंत कहा कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं उच्च न्यायालय के पास भी जाऊंगा और मैंने पहले भी एफआईआर के अगेंस्ट में मैंने प्ली कर चुका है, पहले से प्ली दिया है अपना और अब मैं जो हूँ आपके समक्ष हूँ।